तो सीमा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल में बैठ सकते हो। अभी कॉल करवा सकता हूँ मेरे ख्याल से। रीमा, आपको अभी पूरी दुनिया में लाइव सुना जा रहा है, आप अपनी बहन। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम हैदर। आपको पता है कि हर टाइम आता हूँ और एपी सिंह को और सीमा को मैं बेनकाब करता हूँ। तो मैंने आज एक वीडियो देखा, मुझे हैरत सा हुआ कि सीमा अभी भी कह रहा है कि रीमा ये मेरी बहन नहीं है। एक वीडियो में कह रहा है कि अभी मेरी रीमा से भी बात हुई है। तो सीमा, मैं आपको ये मैसेज का एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल में बैठ सकते हो, ये ज़रूर मुझे बताना कि रीमा कह रहा है कि अगर सीमा मेरे साथ बैठेगी तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं उनको बताऊँगा कि जो है आप कितना झूठी हो। तो ठीक है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, आपका एक झटके में ख़त्म। ये आपको हैदर का चैलेंज है, आप बताओ कि हाँ मैं बैठूँगा, रीमा के साथ बात करूँगा, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे बेशरम, इतना तेरे को शर्म नहीं है? अब भी इस टाइम तक भी आप कह रहे हो कि ये मेरा, वो रो रो कर अंधी बन चुके हैं, उनके दिल में तकलीफ नहीं होगा, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को इनलीगल आप लेके गए हो, गलत तो तुमने किया, घर मेरा बेच के चला गया और एपी सिंह को बगल में हमेशा बिठा के क्या कहता है, तो है ना, जो है ना, हैदर के परवरिश अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में एपी सिंह का परवरिश अच्छा नहीं होगा। तो हम जेन्युइन लोग हैं, देसी लोग हैं, अच्छी बात और सही खरी करते हैं। तो आप एपी सिंह किस बात पे राजी हो बताओ? ये आप तक, आज तक इब्राहिम भाई तुम बताओ, इन्होंने कोई सच बोला है? आप भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके जवाब देना। तुम, हमारा कबीला भी अलग है, रिश्ते में हम पड़ोस में रहते हैं, ये रिंद से ताल्लुक रखते हैं, हम जखरानी बलोच हैं, ठीक है? आप बताइए। हैदर भाई, मैं तो यही बताऊंगा, और शुरू से लेके अभी तक सीमा ने एक सच भी नहीं बोला। अभी भी बोल रहा है, अपनी बहन को बोल रहा है कि मैं इनको नहीं जानता। उसका बहन है ये, अभी उसको वीडियो दिखाएंगे, जो उसका बहन बनाएगा वीडियो आमने सामने उसको दिखाएंगे, कि उसको भी इनकार करेगा। यही बात है, शुरू से लेके अभी तक उसने इनकार किया, तो अभी भी इनकार ही करेगा। कौन सा सच इसने बोला है? वही कह रहा ना, हैरान इस बात पे हो रहे कि अपनी बहन तक, जो रो रो कर, इनकी एक फुफी है, थोड़ी सी वो लकड़ा के चलता है, उसको पता है, तो वो बच्चों के लिए इनकी जो है दादी है, और दादी कहते हैं ना दादा को, वो दादा होता है जो दादी है, दादी है, तो वो बहुत परेशान है, बुढ़ी है, बिल्कुल भी ज़ईफ़ है, रो रो कर सीमा के लिए बुरा हाल हो गया। उल्टा सीमा का देखो, इतना नाजायजी नहीं करो सीमा, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होता है। अपनी बहन को पहचानने से इनकार किया, मैं तो हैरान और परेशान हूँ अभी भी। आप कहते हो हैदर को वीडियो बनाने का शौक है, डूब के मरो तुम, वीडियो तुम बनाते हो, नाच तुम करते हो, तुम सोच रहे हो आज मैं नाच रहा हूँ कल मेरी बेटी नाचेगा, ये तुम्हारी गलत सोच है। मैं आपको हर वीडियो पे बेनकाब करूँगा, आपको याद दिलाऊँगा कि आप सही हो या गलत हो। मैं सही था, सही हूँ और सही रहूँगा, आप गलत हो हमेशा। मुझे तो ये पता नहीं है कि एपी सिंह को भी घर बार है कि नहीं है, 24 घंटे बगल में बैठा रहता है। कि अफसोस है कि इनकी अपनी बहन है, उनको भी लाए वीडियो में दिखाए, बहन होगी बेटी होगी, वो कहाँ है, वो तो नज़र नहीं आते। ये सिर्फ जो औरत को एक बहन बना के और जो है ना बैठ के बातें करता है। एपी सिंह, आप बिल्कुल जो है ना ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा है कि ये सीमा, ये रीमा नहीं है, रीमा अभी आएगा, ये याद करना। क्या आपको चैलेंज है? आप अभी हामी कर को मैं वीडियो पे लाता हूँ उसको, आप बात करने की हिम्मत ही नहीं है आपको। आप तो दुनिया को यही कह रहे हैं कि आप झूठ झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं, मेरे बस जुल्म होता था। लानती तुम पे क्या जुल्म हुआ? जुल्म हमारे साथ तुमने किया, अल्लाह पाक आपको ऐसी मौत देगी, भयानक मौत देगी, ऊपर वाली ज़ात। हम क्या देंगे? इंसान किसी को क्या नहीं दे सकता, जो ऊपर वाली ज़ात है ना, वो आपको कभी नहीं बख्शेगा। छोटे बच्चों से उनकी मासियां जुदा की, उनका बाप जुदा किया, आप बोलते हो कि पहले कहाँ था, बेगरत। क्या क्या आपको याद दिलाऊं? अगर शर्म हया बाकी भी होती, अभी भी आपको जो है ना वो वक्त था एहसास करने का, माफ़ी मांगने का। अभी आप बहस में बैठी हुई हो, हमें यही लगता है ना, आप प्रेशर दार किया जा रहा है, आपको धमकाया जा रहा है। इसी वजह से कोई भी शख्स मेरे ख्याल में, चलो इंतलाफ शोर से हो सकते हैं, मुल्क से तो नहीं हो सकते, अपने बहन भाइयों तक भी ये नहीं मान रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है। तो फिर अब मुझे यही लग रहा है कि जाहिर सी बात है, गन पॉइंट पे इनको कहलवाया जा रहा है। क्योंकि देखो, शुरू में मैं सोचता था कि शायद सीमा कुछ ना कुछ है, या सही है या गलत है। आज बिल्कुल डिक्लियर सरासर गलत है। मैंने उनकी वीडियो नहीं देखता, यकीन माने। तो किसी ने मेरे पास भेजा कि हैदर भाई इसका तस्दीक करो,
तो तस्दीक ये है बिल्कुल उसकी जेन्युइन रीमान की बहन है। अभी मेरी बात भी हुई, अगर मैं देखो अभी कॉल करवा सकता हूँ मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल में नंबर भी लगेगा, एक मिनट। हाँ ये जेन्युइन देखो मैंने उठाया, अगर लग रहा है नंबर तो आप बिल्कुल। रीमा आपको अभी पूरी दुनिया में लाइव सुना जा रहा है, आप अपनी बहन को क्या मैसेज दे रहे हो? देखो कॉल पे ये रीमा है, इसकी आप कॉल बात भी कर सकते हो। जी हाँ थोड़ा तेज बोलें ताकि सुन सकें, थोड़ा ऊपर जाएं कहीं के ये कह रहे हैं कि ये जो है रीमा मेरी बहन नहीं है, तो मैंने आपको कॉल की है, शायद आपने ही उठाया वरना तो आपका शोर सफीर के पास मोबाइल होता है। वो बड़े काम से बाहर गया है इसलिए मैंने उठाया। जी हाँ आप बताइए सीमा को ना कि आप तुम्हारी बेटी रीमा के पास क्या कर रही थी, इसको देख सकती हो ना कि ये रीमा है। और अगर अभी तुम नहीं मानोगी ना कि ये रीमा नहीं है, तो मैं तुम्हें हमारी अम्मी हमारे अब्बू का वो पुराने कार्ड भी दिखाऊंगी जो सिर्फ मेरे पास हो सकते हैं और किसी के पास नहीं होगी। अभी भी बोलोगी मैं रीमा नहीं हूँ, मैं रीमा ही हूँ, समझ जाओ मेरे, अपने रब से डरो और वापिस आ जाओ। अभी तो हैदर भाई तुम्हें बोल रहे वापिस आ जाओ, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें पता नहीं हैदर भाई तुमसे कितना प्यार करते थे, तुमसे तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, हैदर मुझे मारता था, हैदर मुझे खर्चा नहीं देता था। अभी मैंने वो चेक बुक भी दिखाई है जो हैदर भाई तुम्हें बनवा के दी थी, जो तुम बैंक से पैसे लेने जाती थी, वो भी तो मेरे पास वो कैसे आई। हाँ फरवा को बहन रीमा, फरवा को क्या कहना चाहते हो? फरवा आपको पहचानेगा ये वीडियो या अगर ये आवाज भी मुझे लग रहा है, खुदा की कसम अगर फरवा आपको पहचानेगा, आप जोर से अपनी बात ही करो, आपको फरवा सुन सकेगा, फरवा पहुंचेगा, ये मेरी अम्मी है, गारंटी दे रहा हूँ मैं। फरवा को पता है कि मेरी अम्मी है। जी फरवा को मैं सिर्फ में बोला जाऊंगी, फरवा तो अपनी अम्मी को नहीं सुन लेनी है। हाँ बिल्कुल मैं यही कहता हूँ कि अभी भी जो है ना सीमा को कहलवाया जा रहा है, गन पॉइंट पे सीमा को कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि सीमा यही कह रहा है कि ये मेरा जो है वो मजबूर है, परेशान है। हाँ सीमा की चक्कर से लग रहा है कि उसको मजबूर किया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि अगर आप कहोगे कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना है तो आपको यहाँ इंडिया वाले उम्र कैद सजा दे देंगे, और वो इसी डर से वो ये नहीं बोल पा रही क्योंकि उसके पास चार चार बच्चे हैं, तो कोई कैसे मान लेगा कि सीमा ऐसा बोल सकती है, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके साथ है, उसके चार बच्चे उसके साथ है। सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करें, मैं इंडिया वालों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी। हाँ मैंने आपको बोला कि आप वीडियो भी बनाकर थोड़ी देर में आप सेंड करोगे, सफीर होगा, सफीर को तो पहचानेगा आपकी आवाज। देखो मैंने सोचा इंतखलाफ मेरे साथ उसका हो सकता है, तो बहन को अभी भी कह रहे हैं कि देखो अल्लाह से सीमा को कह रहे हैं कि डरो, हमारे साथ है हमारी बहन है, आप ना कहो कि जो है मैं चला गया हूँ, कि हम बात करते हैं 24 घंटा हम रास्ते में हैं, हर चीज आपको बेनकाब करेंगे, आपको मजबूर किया जा रहा है, हम यही समझ रहे हैं। हाँ आप किसी से नहीं डरो, हम आपके साथ हैं, हैदर भाई आपको नहीं मारेगा, मैं तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। मैंने सबको कहा, पूरी मीडिया में मैंने आके बोला है कि इसको अगर कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार हैदर ही होगा, अल्लाह की कसम, चार छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। इंसान से गलती हो जाती है, अब तुमसे अगर गलती हो गई है तो अपने रब से माफी मांग लो, अपने शौहर से माफी मांग लो, वो तुम्हें नहीं मारेगा,
जब इंसान से गलती होती है तो इंसान अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देता है। देखो मैंने कहा रीमा है, सुमेरा है, आपका नाम बोला, मैंने बोला वो रो रो कर अंधी हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि मेरी बहन नहीं है तो तकलीफ का मकाम है, यकीन मानो। उसको पता नहीं है, उसको पता है कि ये बहन है मेरी रीमा। अच्छा मैं आपको निशानी बता दी, जब मेरी शादी हो गई थी तो तुम मेरी शादी पे नहीं आए, चलो ये मानते हैं क्योंकि ये दूसरे लोगों की बातें हैं। ठीक है ठीक है, अब ये मानती हूँ ना कि तुम्हारी बहन को 4 साल औलाद नहीं हुई थी तो उसने तुम्हारी बेटी फरवा को पाला था, ये तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बेटी फरवा को उसने पाला था, फिर 4 साल के बाद अल्लाह ताला ने, वो जब जियारत पे गई थी इराक, तुम्हारी बहन रीमा, मैं इराक गई थी जियारत पे, ये तो मानती हूँ ना कि मैं ही गई थी इराक, फिर मुझे बच्चा हुआ जो मेरी बेटी है जिसका फातिमा नाम है, जो तुम्हें पता है, लेकिन तुम उसकी पैदाइश के वक्त तुम मुझे छोड़ के दूसरों के पास चली गई, अपनी बहन को छोड़ के चली गई। रो नहीं बहना, अल्लाह साथ देकर, देखो आपको हमने परेशान करने के लिए फोन नहीं किया, सिर्फ यही मकसद था कि आपको लोग जेन्युइन देख सकें, सुन सकें कि बिल्कुल हम रابطے में हैं। और मैं इंडिया की सरकार से कहना चाहूंगी कि सीमा अभी डरी हुई है, सीमा को कौन डरा रहा है, सीमा को शायद ये एबीसी की डरा रहा होगा कि अगर आप ऐसा बोलोगी तो आपको जेल हो जाएगी। हाँ हाँ, बच्चों के लिए धमकाया जा रहा है, मार दिया जाएगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। सीमा के पास 4 बच्चे हैं, सीमा को वहां डराया जा रहा है, सीमा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। और कोई मुसलमान ऐसा क्यों बोलेगा कि मैं इतनी जल्दी कोई मुसलमान हिंदू तो नहीं बन सकता, चलो हिंदू या मुस्लिम की बात भी नहीं है, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बिल्कुल। और सीमा इतने साल अपने मुल्क में रह के अब सीमा बोल रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा कभी नहीं सीमा बोल सकती क्योंकि सीमा को अभी धमकाया जा रहा है, सीमा को बोला जा रहा है। हाँ मेरी बहन, बिल्कुल आप ये बात करने के लिए काफी है, समझदार है, सीमा समझ जाएगा, आपकी आवाज भी उसने सुनी और इंशाल्लाह देखेगा इसका रिप्लाई का, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो हाँ कर रहा है या मना कर रहा है। और आप वीडियो बना के जरूर सेंड करना ताकि पूरी दुनिया देखे, और सफीर थोड़ा वीडियो में आए, आप नहीं आना वीडियो में कभी भी, हम खुद भी मना करते हैं आप वीडियो पे नहीं आओ। हाँ जी, उसको पता है कि मैं वीडियो पे नहीं आ सकती हूँ, लेकिन सफीर आएगा, सफीर को तो सीमा जानती है ना, सीमा को पता है। जब मैं गाँव से आई थी तो सीमा ने मुझे और सफीर को दावत करी थी, तो हम सीमा के घर दावत खाने गए थे, सीमा ने हमारे लिए छोले चावल बनाए थे, ये तो सीमा को याद होगा ना। हाँ ये अभी है जाने के मेरे ख्याल में 10-8 दिन पहले मेरे को आपने भी फोन किया था। आपने वहाँ कॉल की थी, मैं आपको बोल रही थी कि हैदर भाई आपने मेरा अब तक बुरका की नहीं लेके भेजा, तो आपने बोला कि जब सीमा आएगी तो मैं उसको लेके दूंगा। जी जी हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि सीमा आएगी मैं बुरका लेके दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन बात। ये थोड़ा जाने से मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन मेरी बहन ऐसी है ना कुछ। हाँ फरवा आपको पहचानेगा, फरवा सफीर को पहचानेगा, सबको पहचानेगा ना, फरवा फरहान फरी सारे बच्चे सबको पहचानते हैं। मुझे अम्मी बोली थी, वो हैदर मेरा सुतेला बाप है, ये फरवा बोलती थी, और फरहान हमें बताता था कि फरवा ना घर पे ऐसा बोलती है, फरहान हमें चिढ़ाने के लिए बोल रहा था, फिर फरवा ने बोला कि नहीं नहीं अम्मी फरहान तो झूठ बोल रहा है, फरवा हमें क्यों नहीं पहचानेगी, उसको पता है ये मेरी अम्मी है, वो मेरा अब्बू है। बिल्कुल आप भाई बहनों को मैं यही कह रहा हूँ, ये असली हमारी बहन है, ये रीमा है और सीमा की बहन है, इन्होंने बात की जाहिर तौर पे, ये कह रहा है कि नहीं है, जो अभी भी लोगों को शक है तो फिर सीमा तुम्हारी जिंदगी पे अफसोस है, पता नहीं आप डरे हुए हो क्या हो, इंशाल्लाह आप जरूर याद करोगे। रीमा बहन आप वीडियो बना के जरूर सेंड करना। जिस दिन सीमा यहाँ से चली गई थी उस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई पे, तो सीमा ने मुझे वॉइस भी करी थी, तो उसके 300 रुपए से ज्यादा थे, वो कपड़े सिलाई करवा दी थी, तो उसने हमें वॉइस करी थी कि रीमा मेरे 300 रुपए उनसे ले लेना, ये भी मेरे पास वॉइस पड़ी है, अगर सीमा कहेगी तो ये वॉइस भी मैं सीमा को सुना सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो देखो हम आप जो हमको सबको पता है कि बिल्कुल आप सच्ची हो, मैं जो बात घर आने वाली हूँ, मैं उसका घर पे इंतजार, मैं हॉस्पिटल गई थी तो वापस आई, मैंने सोचा कि वो घर आ चुकी होगी तो वो घर नहीं आए, बिल्कुल सारा पता है, ये बात है, आप एक वीडियो बना के मेरे पास सेंड भी करना जरूर और सफीर के साथ, अभी मैं इनसे बात करता हूँ, मेरी बहन फिर आपसे बात करता हूँ बाद में मैं। हाँ ओके, देखो इब्राहिम भाई अभी देखो बात, देखो अफसोस की है, अभी भी ये मानेगा कि ये मेरी बहन नहीं है तो उसके लिए आप क्या कहोगे? अभी ये वीडियो देख के अगर वो उसने बोला कि ये मेरी बहन नहीं है फिर उसके लिए क्या बोले हम? देखो इतना अफसोस का बख्शी भाई वीडियो बना रहे, बख्शी तुम आ जाओ इधर थोड़ा कहो। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वीडियो उठा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ तो बहुत ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो सीमा हर बात पे दुनिया को झूठी कर रहा है,
तो अपनी बहन भी रीमा को भी नहीं मान रहा है कि मेरा बहन है। तो हम क्या बैठ के यहाँ वीडियो बनाएं या कुछ करें, तो हमारा सोच से बात बाहर है। अभी अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से यही उम्मीद है इंशाल्लाह सीमा जल्द हमारे हवाले हो जाएगा। हाँ, बच्चे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आएंगे। इस वीडियो को हम अभी बंद करते हैं। इसकी बहन की आवाज़ पूरी दुनिया ने सुना है, तो ये जेन्युइन रीमा ही था, उन्होंने बात किया। उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। अब तक हमें इजाज़त दे, अल्लाह सबको खुश रखे, अपना बहुत सारा ख्याल करना, हमें इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।